सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले GoPro Hero 8 के बारे में, जो मैं लास्ट 6 मंथ्स आई गेस यूज कर रहा हूँ। और अगर आपने मेरी मॉरिशस वाली सीरीज देखी है तो पूरी सीरीज सिर्फ मैंने GoPro Hero 8 से ही शूट की है। मैंने ये GoPro Hero 8 US से मंगवाया था इस जनवरी में और मुझे अप्रोक्स 30,000 का पड़ा था। तो जनवरी के बाद के जितने भी व्लॉग्स हैं वो सारे व्लॉग्स ऑलमोस्ट 90-95% व्लॉग्स मैंने GoPro Hero 8 से शूट किए। कुछ कुछ व्लॉग्स हैं जो मैंने मेरे iPhone 10R से शूट किए, और जनवरी के पहले के जितने भी व्लॉग्स हैं वो सभी व्लॉग्स मैंने मेरे iPhone 10R से शूट किए। अगर आप लोग एक कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं बिटवीन iPhone 10R एंड GoPro Hero 8, या फिर अगर आप एक कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूं iPhone 11 वर्सेस GoPro Hero 8, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो वापस आ जाते हैं GoPro Hero 8 पे और बात करते हैं कि क्या इसमें इतनी स्पेशल फीचर्स है जिसकी वजह से मैंने ये कैमरा पसंद किया। जो सबसे अच्छी बात मुझे GoPro की लगी है कि इसकी साइज बहुत छोटी है, बट इसके साइज के हिसाब से बहुत ही पावरफुल कैमरा है। मतलब आप इसे पॉकेट में कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हो, और कहीं भी आपका मन किया ऑन द स्पॉट शूट करने का तो आप ऐसे निकाल के शूट स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी तरह एक बड़ा सेटअप, एक बड़ा कैमरा, उस पर एक बड़ा माइक जैसा सेटअप है वो पसंद नहीं है, क्योंकि लोग फिर आपको पूछेंगे कि आप क्या करते हो और आप बताएंगे कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, फिर लोग आपको पूछेंगे कितने सब्सक्राइबर हो, आप ऐसे बोलेंगे कि सिर्फ मेरे पास 1300 सब्सक्राइबर है। अगर आप वो करना नहीं चाहते हो तो आप GoPro डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि इतना छोटा कैमरा है, क्योंकि आधे लोगों को तो पता भी नहीं चला कि आप व्लॉगिंग कर रहे हो। और इसमें 3 माइक्रोफोन से इनबिल्ट, तो इसकी ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अभी तक जितने भी मैंने वीडियो शूट किए मुझे कभी भी एक्सटर्नल माइक की जरूरत नहीं पड़ी है, तो सिर्फ आपका GoPro से काम हो जाएगा। जो सेकेंड चीज मुझे सबसे अच्छी लगी GoPro की वो है इसका स्टेबिलाइजेशन। मतलब आप प्रैक्टिकली GoPro को ऐसे पकड़ के भाग सकते हो और फिर भी आपकी फुटेज एकदम स्टेबल आएगी। हम लोग जा रहे हैं जॉग करते हुए नीचे GoPro का स्टेबिलाइजेशन चेक करते हुए। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये कैमरे की साइज पे मत जाए, बट ये आपको 4K अप टू 60 FPS तक शूट करने दे सकता है। मतलब मैं 4K यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरे पास ऐसा पावरफुल लैपटॉप नहीं है कि मैं 4K एडिटिंग कर सकूं, बट अगर ये आप कैमरा ले रहे हैं तो आप फ्यूचर सेफ है, बिकॉज इसमें 4K 60 FPS तक आपको शूट करने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर जो मुझे GoPro Hero 8 का बहुत ही अच्छा लगा वो है इसका वाइड एंगल कैमरा। मतलब अगर आप लीनियर मोड में भी शूट करें तो भी काफ़ी वाइड कैमरा है ये, और उसके ऊपर आपको वाइड एंगल और उसके ऊपर आपको सुपर वाइड एंगल भी मिलता है। मतलब अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपके लिए ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो फीचर मुझे इसका बहुत ही अच्छा लगा वो ये है कि ये पूरा वाटरप्रूफ कैमरा है। मतलब आपको लेके आप स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग पूल में भी जा सकते हैं, और बाहर बारिश में भी आप व्लॉग कर सकते हैं। ये कैमरा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर आपने हमारी मॉरिशस वाली सीरीज देखी है तो आपको पता ही होगा कि इस कैमरे को हमने सभी कंडीशन में यूज किया है और फुटेज काफी अच्छी आई है। सो गाइस, ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे इस कैमरे के बारे में बहुत अच्छे लगे। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट कॉन्स, ये कौन कौन सी वो चीजें जो मुझे इस कैमरे के बारे में अच्छी नहीं लगी, और क्या आपको ये कैमरा लेना चाहिए या नहीं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे GoPro के साथ लगा वो ये है कि आप वीडियो शूट करने के टाइम पे जूम नहीं कर सकते। अगर मुझे किसी चीज़ पे जूम करना है तो वीडियो स्टार्ट है तो मैं जूम नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे वीडियो एंड करना पड़ेगा, जूम लेवल मैन्युअली सेट करके वापस वीडियो स्टार्ट करना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग। सेकेंड चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है GoPro Hero 8 के बारे में वो है इसकी बैटरी लाइफ। अगर आप पूरे दिन के लिए शूट के लिए बाहर जा रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास 1 या 2 एक्स्ट्रा बैटरी है, क्योंकि ये हाफ डे से ज़्यादा नहीं चलेगा मेरे यूज़ केस के हिसाब से। मे बी आपका यूज़ केस इतना हैवी ना हो, आपका पूरा दिन चल जाए, बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप बाहर जा रहे हैं कंटिन्यू शूट कर रहे हैं तो ये बैटरी आपका आधा दिन ही चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका जो एनवायरनमेंट है वो डार्क है या फिर नाइट है या फिर आर्टिफिशियल लाइट्स है तो GoPro का जो परफॉर्मेंस है कैमरे का वो इतना अच्छा नहीं है। इसलिए ज़्यादातर जो मेरे इंडोर्स के वीडियोज़ है वो मैं अपने आईफोन से शूट करता हूँ या फिर 10R से या फिर 11 से शूट करता हूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट में इसका इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे GoPro में अच्छा नहीं लगा वो ये है कि अगर आपको इसमें एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करना है तो आपको एक माइक कनेक्टर की एक एक्सेसरी अलग से लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें माइक का पोर्ट नहीं दिया गया है, और वो एक्सेसरी है वो कम से कम 3,500-4,000 रुपये की आती है। उसके अलावा आपको एक अलग से केस लेना पड़ेगा, क्योंकि GoPro पे एक्सटर्नल माइक अटैच करने के लिए कोई भी कोल्ड शू माउंट नहीं दिया गया है, तो आपको एक केस लेना पड़ेगा जिसपे कोल्ड शू माउंट है, और उसके बाद ही आप GoPro के साथ एक्सटर्नल माइक यूज कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे GoPro Hero 8 के बारे में अच्छे नहीं लगे। तो अगर इस पॉइंट्स में से
से कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपके लिए डील ब्रेकर है, देन ऑफकोर्स आप GoPro Hero 8 नहीं ले सकते, किसी और कैमरे के साथ जा सकते हैं। और अगर आप वो कॉन्स के साथ रह सकते हैं और आपका बजट 30,000 या 35,000 के आसपास है और आप एक कॉम्पैक्ट पावरफुल कैमरा चाहते हैं, अगर आप ब्लॉगर हो या फिर मोटो ब्लॉगर हो या फिर यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हो, आपके लिए सबसे बेहतर कैमरा यही रहेगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जब नेक्स्ट वीडियो लाए हो तो आपको सबसे पहले अपडेट मिले। एंड आई विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।